কালনে মার দি আবি দেখো লাহলাই যাব লাগে না আপুনি এটু সকছন আমার একো ন হয় আপুনারে কষ্ট এ নেভিগেশন পে মেডিকেল ইয়ে দিখা রাহা তো তো ইয়ে আপকো জো দিখা রাহা ইয়ে রেলওয়ে রেলওয়ে স্টেশন হে मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ मैं सुबह सुबह फैमिली के साथ, और हम जा रहे हैं अभी डिब्रूगढ़। सबसे पहले अभी घर से निकल रहे, ये मैंने नामगढ़ दिखाया था, नामगढ़ को राम राम करते हुए हम निकल रहे। और हाँ, हम डिब्रूगढ़ जा रहे हैं एक्चुअली मेरे ट्रीटमेंट के लिए। तो और मेरे पीछे मेरे भाभी है, भाभी हाय, और मम्मी जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग, डिब्रूगढ़ को है तो भैया ड्राइव कर रहा है। और हाँ, डिब्रूगढ़ क्यों जा रहा है एक्चुअली, मेडिकल फोन दिखाएगी ना। एक्चुअली मेरा, मैंने आपको बोल रहा था ना, मेरा ट्रीटमेंट एक्चुअली दिल्ली में भी ट्रीटमेंट चल रहा था, फिर भी यहाँ भी एक अच्छा। एक्चुअली मेरा भाभी भी नर्स है, तो भाभी का एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया हुआ है कि मीनाल गोगोई डिब्रूगढ़ में गैस्ट्रो एंड लीवर स्पेशलिस्ट है, तो वो अच्छा ट्रीटमेंट करता है, तो हम वहीं जा रहे हैं। बातें करते करते मम्मी से कुछ बातें निकल गया हमारा, जब मम्मी जब दिल्ली पे था तो मम्मी दिल्ली का किस्सा सुना रहा था। तो मम्मी, आपको दिल्ली में कैसा लग रहा था? दिल्ली में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से घूरा फिरा, इतना अच्छा लगा। कैमरा में देख के बोलो, वहाँ का जगह बहुत अच्छा लगा। और नो डाउट भाभी भी दिल्ली पे रह चुका था जब भैया जॉब कर रहा था एयरपोर्ट पे, सारा चारों ने दिल्ली का एक्सपीरियंस ले चुका है। फाइनली हम अभी डिब्रूगढ़ पहुंच गए, तो घर से चाय बना के लाया था ना रिफ्रेशमेंट के लिए, तो अभी सुबह सुबह निकला था, तो ऑफिस से भाभी अभी चाय देखे, मम्मी भी चाय का स्वाद ले रहा है। तो अभी भैया की तो मौत चला दिन लगे, हाँ चलो ठीक है। तो अभी हम डिब्रूगढ़ पहुंच गए, तो थोड़ा ब्रेक ले रखा हुआ इधर साइड पे, गाड़ी रुका के रुकाया हुआ है। किस्सा सुनाने जा रहा हूँ छोटा सा। डिब्रूगढ़ एक ऐसा जगह है एशिया का, इंडिया का नहीं, एशिया का सबसे ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी यहाँ स्टार्ट हुआ था 1901, हम पैदा भी नहीं हुआ। मैं डिब्रूगढ़ का नाम कैसा पड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब ब्रिटिश अंग्रेज के ज़माने पे जब आए थे यहाँ आसाम पे डिब्रूगढ़ पे, तो उन लोग तेल के ऑयल की खोज पे आए थे। तो अंग्रेज को सुपरवाइज़र, जो इंजीनियर और सुपरवाइज़र को जो था, तो उसको यहाँ थोड़ा तेल का संदेह मिला, माने तेल यहाँ इनको कहीं कहीं जगह पर तेल मिलने का आशा लगा, और इन्होंने साथ सर्चिंग किया हुआ है तो तेल मिल गया। तो तेल मिल गया तो अंग्रेज तो अभी खुद खुदाई तो करेगा नहीं है, तेल की सर्चिंग कैसे करेंगे। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, डिब्रूगढ़ पे लोकल जो यहाँ के लोकल थे, वहाँ को लोकल निवासी को, हाँ लोकल निवासी को तलाश किया, और उन्होंने बुलाया कि आओ इधर तेल है सर्चिंग करो। तो क्या क्या, और अंग्रेज़ को तो हिंदी आती नहीं है, आसामीज आती नहीं है, तो क्या क्या उन्होंने इंग्लिश में डिक मीन्स खोदना एंड बॉय मीन्स लड़का को बोला, तो यहाँ के लोकल आदमी को बोला कि डिक एंड बॉय मैंने खोदो इसको लड़की, तो इस तरह का नाम डिब्रूगढ़ रहा, और अभी तक ये डिब्रूगढ़ ही रहा इनका नाम। तो चाय के बगान, इस साइड भी चाय के बगान, दोनों साइड चाय के बगान मिल जाएगा। सुबह 6 बजे निकला था हम सब घर से, तो अभी तकरीबन 9 बजने वाले हो गए, 3 आवर्स हो गया जर्नी कर रहे हैं, कंटिन्यू ड्राइव कर रहे हैं भैया, अभी बस हाफ एन आवर पहुँचने वाला है हम। एक्चुअली हमारा घर जागुन पे पड़ता है, तो हम इंजू का डिस्ट्रिक्ट है हमारा, तो हम अनदर डिस्ट्रिक्ट एंट्री कर रहे हैं। किस तरह का माहौल है, बीच पे हाईवे, चारों तरफ घर ही घर, हरियाली, बगान आपको नज़र आ जाए। फाइनली गाइस, हम अभी डिब्रूगढ़ इंटर हो गया, ये देखो थोड़ा रास्ता ख़राब है, अभी मेडिकल पहुँचने के लिए तकरीबन 10 मिनट शो कर रहे हैं नेविगेशन पर, तो अभी जा रहा। और हाँ, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इस गाइस ये डिब्रूगढ़ ना बहुत मेरा एक यादें छिपा हुआ है, मेरा यहाँ 3 साल मैं यहाँ रहा, जब मैं कॉलेज पढ़ रहा था डिब्रूगढ़ कॉलेज, तो मैं यहाँ 3 साल रहा, तो ये डिब्रूगढ़ मेरा बहुत अच्छा कनेक्टिविटी एक फीलिंग्स जुड़ा हुआ है। 1 minute later गाड़ी भी पार्क कर दिया।
एक्चुअली डॉक्टर ने अपना प्राइवेट क्लिनिक खोला हुआ है ना, तो हम प्राइवेट क्लिनिक पे आया हुआ है। हो गया, सब कुछ हो गया, मैं आगे आपको बताऊंगा। सेम दिल्ली में जो हमें बताया था, मेरा दिल्ली में जो बीमारी बताया था डॉक्टर ने, यही बताया मुझे, यही बोला। तो दवाई पानी करो, देखो टेस्ट लुक दिया हुआ है वो करने के लिए। तो अभी ड्राइव में कर रहा हूँ, क्योंकि भैया अभी गाड़ी में छत है। कौन से लोग, कहाँ से लोग? लोग तो सर। तो अभी फाइनली निकल रहा हूँ। जानते तो देख जाए तेरे ना। गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, हमारा रेलवे स्टेशन ये तिनसुकिया, हम अभी तिनसुकिया पहुँच गया। तो ये आपको जो दिखा रहा है ये रेलवे स्टेशन है हमारा, हम दिल्ली जाते हैं, कहीं से भी आते हैं, हमारा मेन रेलवे स्टेशन यही है तिनसुकिया जंक्शन। ये आप नेट भी मारोगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा, ये हमारा मेन जंक्शन। हम आ गए अभी तिनसुकिया, अभी हम तिनसुकिया तो पहुँच गए। तो अभी हम रास्ते पर हमारा एक चाचा के घर है, हमारे पापा के सबसे छोटे भाई के घर है यहाँ। तो चाचा को फ़ोन किया था भैया ने, तो चाचा तो नहीं है, चाचा गया हुआ है बाहर, तो चाची और भाभी है। तो हम वहीं भी एंटर करेंगे, वहाँ चाची को मिल के तब हम जाएंगे। चाचा घर हमारे रास्ता पे पड़ता है, तिनसुकिया एंड माकुम के रास्ते पे हमारा चाचा घर है। आपने देखा होगा ब्लॉक में, मेरा भाई जो उसके ब्लॉक में जो जाता था, था उसी का घर है। ये देखो, ये भैया ने देखो हमारे पीछे से मार दिया। स्पीड ब्रेकर था, गाड़ी बिल्कुल स्लो था, फिर भी ये अंकल ने मार दिया। अभी देखो लहलाए जब लगे ना अपनी, ये तो सौकसन आमार एक न आपनारे कष्ट हम आ ना लगिले अपनी पड़ आमार एक न यहाँ मार दिया अंकल को, लगा नहीं है। देखो गाइस हमें तो कुछ भी नहीं है, हमें तो गाड़ी में था अंकल में ना, लेकिन अंकल गिर जाना था, तो अंकल को लगना था ना, अंकल का मोबाइल शोबाइल सब गिर गया। ये है हम पहुंच गए चाची घर, चाची घर में पहुंच के ये रहा चाची घर। एक्चुअली यहाँ हमारे घर से एक घंटे के रास्ते है चाची घर ना, तो आते समय तो घुस रहे हैं मेडिकल जा रहा था, आते समय घुस कर तो अभी चाची खाना साना बना रहा है, रेडी हो गया। और ये रहा चाची घर, मैं चाची घर का छोटा होम टूर दे रहा हूँ। ये देखिए नया है बनाया हुआ है, टीवी है वहाँ, पंखा है, और ये सॉरी और ये भैया बैठा हुआ है यहाँ, ये है, और यहाँ एक रूम है, यहाँ भी एक रूम है, और ये चाची यहाँ बैठा हुआ है, चाची हमारा खाने के लिए रेडी कर रहा है। और ये डाइनिंग टेबल है, बहुत ही अच्छा शानदार होम टूर दे रहा हूँ छोटा सा। ये वॉशरूम है, इधर बाहर है, और ये आपका प्यारा सा मंदिर रूम है, और ये किचन, बुआरी और भाभी खाना के लिए रेडी कर रहा है अभी स्पेशली। मतलब अंडा दीवनी भी नहीं होना कहीं से ना, दोनों पढ़ देना हल्का पढ़ देना, ऐसे तो अंधा कर भी दिन सकता, हल्का खान सकु मैं पेरा भोके पूरा वही बचा। फाइनली ये देखो मेरा, मैं इसका बड़ा पापा हूँ, ये अभी थोड़ा घुल मिल हो गया। अब बुआरी थोड़ा खाना के लिए रेडी कर रहा है, अभी खाना खाएंगे। आओ, ये था मिनी होम टूर देते था नया घर। ये देखिए लाइट, ये अभी खाने के लिए रेडी हो गया। ये फ्राई बनाया हुआ है, ये दाल बनाया है, ये सलाद बनाया हुआ है, वाओ। लेकिन क्या करेगा इस, मेरा पेट बीमार है, मेरे को ये सब खाना नहीं है, मेरा दूसरा खाना बोला तीन लेके खा को आओ। तो ये रहा ये भैया उधर बैठा हुआ है, मम्मी उधर बैठा हुआ है, और काकी बैठा हुआ है।
पहले शर्म कर रहा था, अभी थोड़ा घुल मिल लिया, अभी सामने सामने आ रहे। पापा कोई पापा कोई पापा पंकज कोई पंकज, इनके पापा का नाम पंकज है, मैं तो पंकज कहाँ बोला, पंकज कोई पंकज कोई पंकज पंकज को पंकज पंकज पापा हो न को बंदो पाया बंदो पंकज को बंदो मेरे पापा हो बंदो मेरे पापा हो ओ तुम्हारे पापा हो नाम बंदो या नाम बंदो तुम्हारे नाम क्यों नमस्कार बंदो नमस्कार नमस्कार बंदो नमस्कार तुम्हारे नाम बंदो क्यों नाम से बोला दिव्यांश अभी नाम नहीं बोलेगा अभी खाने में थोड़ा बिजी है बाद में बोलेगा हमें नाम पहले बोल चुका है फाइनली खाना रेडी हो गया ये रहा ये हमारा खाना रेडी हो गया खोए तिम्रो कुन चाहिँ चेयर हो यहाँ बसो फाइनली बहुत अच्छा से खाना अंडा है सब्जी आला ये है फ्राई और ये क्या है वाओ सलाद ये तो मैं नहीं खाऊंगा ये दाल है काकी बोलो तब तब खाने ना खाना ना खाने वाओ दिखाओ वाओ ब्यूटीफुल कति राम्रो अंडा खाने से हमारे बहनी वाओ वाओ पेरोट पेरोट होने यो वाओ दुईटा पेरोट के नाम हो पेरोट को नाम बोलो नाम फाइनली गाइस अभी हम निकल रहे चाची घर से चाची घर से खाना पीना खाया अभी सनसेट भी हो गया शाम होने वाला हो गया तो अभी हम निकल रहे हैं ये चाची और देखो ये भी हमारे साथ जाएंगे बोल रहे हाँ पापा सिन्हा आनु पीछे ला ये भी हमारे साथ जाएगा बोल रहे लेकिन अभी तो पीछे ले जाएगा ना तो चाची ने मम्मी को फूल दिया हुआ है तो ये मम्मी ने फूल ले लिया क्या फूल है मम्मी हाँ फूल है ना लाल फूल चलो ये बुआरी को बाबा माँ को ले फूल दे रहा है ये भी हमारे लिए जाने के लिए जिद कर रहा है लेकिन अभी इसको नहीं ले जाएगा बाद में आनू लो देखो निकल गया अभी सब खाना पीना खा के काकी सब मिल के तो फिर घर जा रहे हैं अभी हम आज के ब्लॉग में यही ख़त्म करता हूँ क्योंकि बहुत लॉन्ग होने वाला है इसलिए मैं अभी गाड़ी पे ही ब्लॉग शुरू किया था गाड़ी पे ही ख़त्म करता हूँ और भाभी आगे बैठे भैया ड्राइव कर रहा है अभी जा रहा है और मम्मी भी इधर बैठा हुआ है तो गाइस मैं ब्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ मम्मी कुछ बोलोगे आप बाबा भाभी आप कुछ बोलोगे हाँ बढ़िया और भैया तो ड्राइव कर रहे हैं अभी कुछ भी नहीं बोल रहे बात कर रहे हैं तो उसके बाद और आप बोलो मेरे बेटे को सब्सक्राइब कर देना सारे प्यार दीजिएगा हाँ ठीक है तो गाइस सुन लिया भाभी ने भी बोला और माँ ने भी बोला तो प्लीज सपोर्ट कर देना तो गाइस तब तक के लिए मिलते हैं अगले ब्लॉग पे तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए मस्त रहिए जिंदगी में जितना भी दुख हो सब भुला के जीना सीखो ठीक है ना बढ़िया ना